क्या नाम है आपका? सवालेहा। कौन है मरीज आपका? मेरी बहू भी है, मेरा बेटा भी है। क्या हुआ इनको? इसको सांस लेने में दिक्कत, अभी रेफर करी है बिल्कुल दिल्ली के लिए। अच्छा। सुबह किसी ने मोबाइल उठा लिया 7:15 बजे यहाँ से। अच्छा, कौन सा मोबाइल था? रिलायंस का। अच्छा, तो बताया आपने फिर यहाँ? जी बताया, यहाँ भी बताया, किसी ने नहीं सुनवाई करी, फिर कह दिया को कोर्ट के लिए जाओ। मैं अकेली लेडीज क्या क्या करती, मैं फिर भी कोर्ट भी गई। अब कहा था मैंने FIR पुलिस के पास। जी जी, FIR भी करा दिया। और वहाँ से मैंने कहा मैंने कि तुम कैमरा दिखा दो खोल का, तो कैमरा इन लोगों ने किसी ने नहीं सुनी। यूँ को पुलिस में कंप्लेंट, जब पुलिस आएगी जब कैमरा होगा। अरे क्या पता कैमरा खुल जाता तो पहले ही कोई ना कोई पहचान लेता उसको। नहीं, हम दिखवाएंगे, अभी मैं CMO साहब से खुद मिलूंगा। जी आप मुझे अपना एड्रेस दीजिएगा और नंबर दीजिएगा, ठीक है? और मैं खुद पर क्या दूँ, हमें नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा, मैं अभी उस पर दिखवा के फिर पूरी। अच्छा, यहाँ पर बाकी इलाज कैसा चल रहा है ये बताएं? कुछ सही नहीं चल रहा सर। भैया जब परेशान है हम, देखो हमारा बच्चा ये पड़ा हुआ, ये देखो इसकी हालत, उधर उसकी हालत देखो, थोड़ी बहुत आंख भी लग जाएगी। इस तरीके से पर्स रखा हुआ, ये चार्जर लगा हुआ यहाँ पे, वो रखा हुआ यहाँ, मेरा सर है वो, तो जरा आंख झपी है। कितने बजे लगभग? 7:15 बजे शाम को। सुबह। अच्छा, अच्छा। जी, और ये भाई भी जब आंख, इनकी भी जब आंख झपी है तुरंत। अच्छा, कैमरे तो लगे हुए सामने, देखे मैं दिखवाऊंगा, देखे आप देखे उधर। जी सर, देखो वो बच्ची ने देखा भी था वो निकालते हुए, मगर उसको क्या मालूम कि ये इनका कोई है, वो तो यही सोचेगा हर कोई। अच्छा, वो ऐसा घूमा लड़का। अच्छा, अभी 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 दिखवाएंगे, चिंता न करें। अच्छा, योगी सरकार में भी सुनवाई नहीं हो रही? सर सरकार में सुनवाई तो हो रही है, मगर इसमें ना कुछ भी, यहाँ अस्पताल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें तो दिल्ली अच्छी लगा है, बस दिल्ली अच्छी लगा है, हमें गौर न कर पाते हैं ये सर। देखो कल से परेशान है बच्चा, अब अनिता जो परेशान है उसकी तो रिपोर्ट होनी चाहिए क्या? नहीं, अभी चिंता न करें, मैं अभी CMO साहब से बात करता हूँ आपके लिए, अभी पक्का रिपोर्ट होनी चाहिए। अभी मैं SSP साहब से, आप चिंता न करें, परेशान है आज ले रहे उसको। बहन जी आप चिंता न करें, आपके एक तो मोबाइल के लिए भी मैं अभी उसमें पूरा, आप सर बताओ मैं क्या, आप चिंता न करें, मोबाइल आपका मिलेगा। आप कप्तान साहब बहुत अच्छे ईमानदार हैं, और यहाँ पे ASP मैडम ही है, वो पूरी आपकी मदद कराएंगे, ठीक है? रही बात इलाज की, अगर रेफर कर दिया तो बिटिया इसको तो दिल्ली लेके जाइए आप। जा रहे सर। चलिए ठीक है, अभी आपकी मदद कराते हैं। तो आप बताइए, इलाज क्या चल रहा है? क्या दिन हो गए आज मुझे यहाँ, एक दफे देख के दोबारा डॉक्टर आता ही ना कोई यहाँ पे, कोई सही कह रही है, सही कह रहे हैं आप, जो बात चार दिन में एक बार डॉक्टर आए, एक दफे देख के बताना क्या हो रहा है, क्या मामला, बस 24 घंटे में। जी अच्छा, शौचालय का जो गेट टूटा पड़ा एक 4-5 दिन से? हाँ, उधर टूटा पड़ा सामने, लग रहा तुम्हारे सामने ही। प्यारे बस हालात जो है यहाँ पे, फिर अभी DM साहब आए, औचक निरीक्षण किया, कुछ कमियाँ उन्होंने खुद यहाँ पर इंस्पेक्शन में कमी देखी, और कहीं ना कहीं CMO डॉक्टर विनय कुमार जी को अवगत कराकर भरोसा दिया। ये शौचालय है मरीजों के लिए, और ये देखें गेट टूटा हुआ है, इधर करीब से दिखा दें, ये बिल्कुल अलग रखा हुआ, ये देखें आप, कोई है इसका? इसमें कोई है, ये बिल्कुल देखें। तो CMO साहब, DM साहब, कम से कम शौचालयों के अंदर गेट सही होने चाहिए। और यहाँ पे एक मरीज और है, कैसा हो रहा है? सुबह से कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर पर आराम से जब दवा गोली मिलेगी जब तो इलाज होगा। तो अभी वो पीछे बता रहे हैं 24 घंटे में एक बार आते हैं डॉक्टर यहाँ देखने के। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। कौन है मरीज आपका? ये रहा। अच्छा बिटिया, कहाँ से आप? अड़ौली। क्या नाम है आपका? अड़ौली अलाउद्दीन। आपका नाम अलाउद्दीन भाई। अच्छा, बेटी को बुखार हुआ है? बुखार हुआ। चलिए अच्छा, ये जो शौचालय का गेट टूटा पड़ा है ये सही नहीं हो रहा है? कोई नहीं करवाया, तवज्जो नहीं, कोई नहीं करवाया बिल्कुल। बताया आपने किसी को गेट टूटा पड़ा? अरे हम तो अकल्ले हुए हैं भर्ती यहाँ, लेकिन जो 4-5 दिन वाले तो वो तो कह रहे हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, बड़े हालत खराब है, गंभीर है। ठीक है ठीक है। डस्टबिन भी तो ना, पूरे डस्टबिन मरीज के ना जी, मतलब योगी सरकार में भी खाना पूर्ति और सरकार की कोई गलती नहीं। नहीं नहीं, बात तो बात, लेकिन कर्मचारियों की तो है गलती, बात तो सरकार पे ही आएगी ना। अगर बच्चा, अगर अगर अलाउद्दीन भाई बच्चा अगर शरारत करेगा तो उसके मुखिया की तो जिम्मेदारी आती है, शिकायत तो बदनामी तो योगी जी की हो रही है ना। और कर्मचारी मंत्री तो बढ़िया है, ब्लड सैंपल के लिए 8 बजे से 11 बजे तक लाइन में लगे रहे हम, लाइन में लगे 3 घंटे के बाद भी नंबर नहीं आया, खिड़की बंद कर दी,
फिर कल को लाइन लगेगी, जब जब खून टेस्ट हो जाएगा रिपोर्ट आ जाएगी, जब ये ट्रीटमेंट चालू करेंगे इतने में मरीज वैसे मर जाएगा, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक इलाज नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मुहर्रम। मुकर्रम भाई जी। तो मुकर्रम भाई, आपका सीसीटीवी कैमरे में हम दिखवाएंगे, आप हमें नंबर दीजिएगा। और नंबर दे दिया पुलिस चौक थाने में। नहीं, FIR आपने दर्ज करा दी, आप बेफिक्र रहिए। और अपने भाई का नंबर दे दिया, ठीक है, पतला करने के लिए। लेकिन इसमें बहुत ही ये कमी की बात है, अगर किसी भी मरीज का या मरीज के तीमारदार का यहाँ से मोबाइल चोरी हो रहा है तो अपने आप में बहुत यहाँ की लापरवाही सामने आ रही है। हमने तो किस्तों पर निकाला, चलिए किस्त उसकी पूरी। अच्छा, और यहाँ पे जो कुत्ते घूम रहे, फिर देखे कुत्ता भी नहीं देखे, कुत्ता फिर घूमता हुआ। कुत्ते ना कुछ भी, हर चीज की कमी है यहाँ, हर चीज की। तीसरे दिन नहीं होता, लोग छुट्टी कह देते हैं डॉक्टर। तीसरे तीस ये सब ले में एक बोतल लगाते हैं, सिर्फ एक बोतल। कैसे मरे तीसरे दिन कह देते हैं कि मतलब रख ले जाओ। देख सकते हो ये रे गंदगी, कितनी गंदगी हो रही है, क्या फैला, किसी की कोई कार गवाद नहीं है। और नु कह देते हो रहा था, हो रहा था होने दो, जाओ बैठो बिस्तर पे, जाओ घर, जाओ घर। मैं तो वैसे देखने आया हूँ। अच्छा, तो मरीज सही है आपके? नहीं, यही है मरीज। तो अभी चले मतलब, और सफाई, कुत्ते घूम रहे आपकी चारपाई के नीचे, कुत्ता था होना चाहिए घर में आपके, यहाँ पे कुत्ता रहता है चारपाई के, हमारा कुत्ता, आपका पालतू भी नहीं है। अस्पताल में कुत्ते होने चाहिए योगी सरकार में, तो वो योगी सरकार क्या करेंगे बिचारी, करेंगे नहीं। योगी सरकार के जो सरकारी अफसर है वो तो कुछ करेंगे, योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, बताइए कुछ नहीं कहेंगे।